कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी धूम से कई बड़े बड़े एक्टर्स का नाम जुड़ा हुआ है। धूम के पहले पार्ट में जॉन इब्राहिम और उनकी बाइक सबके लिए जुनून बन गई थी, और दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और उनके नए अवतार ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। वहीं तीसरे पार्ट में आमिर खान को कभी नहीं देखा गया लुक में दिखाया गया था। तो वहीं इस फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट के लिए कास्टिंग के बारे में कई अफवाहें चल रही हैं। अब इस मूवी को लेकर एक न्यू अपडेट सामने आई है। जी हां दोस्तों, इनसाइड खबर के अनुसार धूम 4 में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान देखने को मिलने वाले हैं। इनसाइड खबरों की माने तो इस मूवी में शाहरुख खान लीड रोल में नजर आने वाले हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। ऐसे में अब इस मूवी को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी की स्टोरी पर अभी काम चल रहा है, और सुनने को मिला इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे रोहित सेठी। तो वहीं एक बार फिर मूवी में हमें अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इस मूवी में कुछ न्यू एक्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। खबरों की माने तो इस मूवी में 4-4 फीमेल एक्टर्स देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही जानकारी सामने आती है, हम आपको धूम फ्रेंचाइजी की चौथे पार्ट की अपडेट देते रहेंगे। तो वहीं धूम 4 में अक्षय कुमार और शाहरुख खान का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके लिए अभी तक दर्शक काफी ज्यादा कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। आखिर कौन होगा धूम 4 का लीड विलन, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर चला है। फिल्म में अभिषेक बच्चन होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म की अनाउंसमेंट का सभी लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि धूम फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो हर बार कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग हमारे सामने रख देता है। तो दोस्तों, आप सब धूम 4 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।